Assalamualaikum guys, welcome back to the channel. ये है आपका अपना चैनल सस्ता व्लॉगर और आज भाई सुबह सवेरे ठक ठुक ने मेरी नींद खराब कर दी। क्यों ठक ठुक हो रही है भाई पीछे से, वो मैं आपको बता दूंगा। भाई आज जल रही है मेरे मामू की छत और मामू की छत जल रही है तो बाहर आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन वाले और मशीनें चल रही हैं भाई आवाज़ पे आवाज़। तो मामू डलवा रहे छत, भाई मामू को तो बहुत बहुत मुबारक हो मगर मेरी नींद हो गई हराम। तो खैर मैं उनके साथ दूंगा क्या, ताकि उनको भी थोड़ी सी फेवर मिल जाए। और अभी अभी उठे हैं तो सबसे पहले करेंगे नाश्ता और जिया से मिलेंगे। जिया से काफ़ी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, भाई जिया की तबीयत ख़राब है। तो खैर नीचे चलते हैं फिर देखते हैं क्या मामला है, तो मेरे साथ ही रहिएगा। अपने डे को स्टार्ट करते हैं, कम ऑन भाई। मैं नीचे आ गया और इज्जत आपको पता है मेरे मामू की बेटी है और इज्जत भी आई हुई है क्योंकि यार उनके घर पे हो रहा है काम, उनके घर पे डल रही है छत। तो इज्जत भी है, जिया भी है। अस्सलाम वालेकुम। ये तो ब्रेकफास्ट कर रही है। जिया किधर? अरे भाई इज्जत आ गई है क्योंकि इज्जत के घर पे चल रहा है काम। तो भाई पहले मिलते हैं दिया से। दिया इज्जत भी आई हुई है, इज्जत के घर पे छत डल रही है तो इज्जत यहाँ से आ जा। तू भी इज्जत भी आई हुई है और दिया भी है। दिया की आंखें थोड़ी सही नहीं है, इसके लिए दुआ करें। हाँ ना, दिया की आंखें सही नहीं है, दिया की आंखें खराब हैं। जी ऊपर देखो कैमरा मथेरिस। आपके नाश्ता वाश्ता करते हैं फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या मामला है। यहाँ से निकलते हैं, मामू के घर चलते हैं। मामू के वहाँ छत डल रही है, आवाज़ बता रही है। अब भाजी पुराने गाने सुन लो पुराने गानों का आवाज़। मेहंदी है सर चलो नाश्ता करते हैं फिर साथ आओ। नाश्ते में लेके चाय और पराठा, बस ज़्यादा नहीं खाएंगे। खैर खा लेते हैं फिर बात करते हैं आपसे। सो गाइज मैं आ गया हूँ घर के बाहर और जाहिर सी बात है जब छत डलती है तो जाहिर सी बात है कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इक्विपमेंट वो लग चुका है, शोर कम है इस वजह से क्योंकि अभी थोड़ा सा कर रहे हैं रेस्ट और पी रहे हैं चाय शाय। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वही गली पूरी हो गई है बंद। इक्विपमेंट उठाने वाली सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी लिफ्ट और लिफ्ट को चढ़ाने वाली मशीन, मशीन को हिलाने वाली पीछे की मशीन और मज़दूर सारे बैठे हुए हैं थोड़ा सा रेस्ट। तो भाई ये है, ऊपर जा रही है। तो ये जो छत है ना, ये वाली, ये मामू की नहीं है। मामू की छत इसके पीछे है क्योंकि बीच में गली है तंग और रास्ता बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं इस छोटी सी जगह पे बिल्कुल भी नहीं आनी थी मशीनें, तो यहाँ से चढ़ना होता मुश्किल। तो ऊपर चलते हैं, सबसे पहले मेरी छत के साथ ही छत है तो मैं आपको वहाँ पर जाके दिखाऊँगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। और बिकॉज आई एम ए सुपरवाइज़र एंड आई एम डूइंग दिस जॉब, सो मुझे थोड़ा लुक आफ्टर भी करना पड़ेगा कि भाई काम सही से हो रहा है ना। तो लेट्स सी, चलते हैं ऊपर फिर देखते हैं क्या मामला है। फिर आपको मज़दूरों से भी मिलाएंगे और बहुत सारे काम होंगे तो मेरे साथ ही रहिए। मैं चढ़ गया हूँ ऊपर और मैंने ले लिया एक अदद मास्क क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है कंस्ट्रक्शन में और मुझे है एलर्जी, नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा, इस वजह से मैंने ले लिया भाई मास्क। खैर ये वाली वो छत है, इस छत को आज पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो खैर अभी मैं चलता हूँ, देखता हूँ ऊपर के क्या क्या मामला है, मेरे साथ ही रहिएगा। गाइस
गाइस वो जो दिख रही है वो है मेरी छत और ये मामू की छत है। अब के तो थोड़ा बराबर हो गया, पहले ऐसे झुक के बात करनी पड़ती थी और अब सामने से सामने देख के बात होगी। खैर लेट्स कम टू द टॉपिक, थोड़ी सी टेक्निकलिटी की बात करते हैं कि भाई छत के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यूजिंग भराई। एनीवेज इतनी इंग्लिश नहीं आती। खैर सबसे पहले तो आपको चाहिए होता है एक शटरिंग वाला, ठीक है, जो शटरिंग डालता है। शटरिंग क्या किसको कहते हैं भाई, ये पटरे जो पड़े हुए ना ये नीचे वाले, इसको कहते हैं शटरिंग। और उसके बाद क्या डलता है भाई, उसके बाद डलता है सरिया, इसको कहते हैं सरिया। आपने शटरिंग करवा ली और उसके बाद आपने डाल दिया सरिया, उसके बाद आपको चाहिए होता है एक इलेक्ट्रिशियन जो कि इसकी प्रॉपर पाइपिंग कर ले, जो कि कंसील्ड हो जाए। बाद में पाइपिंग और इलेक्ट्रिकल का वर्क करना बड़ा ही मुश्किल होता है और बाहर से दिखता है बहुत ही बुरा लगता है। तो खैर उसके लिए आपको चाहिए होता है एक इलेक्ट्रिशियन जो कि करता है इस तरह की पाइपिंग, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो मेन काम होता है आपको चाहिए होते हैं कंस्ट्रक्शन वाले, और वो अपनी मशीनरी के साथ पूरा माल ऊपर पहुंचाते हैं। माल में क्या यूज़ होता है भाई, सीमेंट होता है, बजरी होती है और होती है रेती मीन्स के मट्टी, वो तीन चीज़ों का मिक्सचर बना के उसकी डाल देते हैं छत और वो छत सूखती है, उसके बाद वो आपकी छत तैयार होती है। पिलर्स डलते हैं, पिलर्स के लिए वो कॉलम्स बनाते हैं और कॉलम भरते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें होती हैं छत बनने के लिए, इससे ज़्यादा मुझे इसके हवाले से कोई नॉलेज नहीं है। अगर मैं कुछ भी कमी पेशी कर रहा हूँ, अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं अभी काम स्टार्ट यूँ नहीं हुआ भाई, बजरी हो गई है शॉर्ट, अभी तक पहुँची नहीं है। तो वो जैसे ही आती है फिर काम होता है स्टार्ट, तो फिर देखते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, तो मेरे साथ ही रहिएगा। आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल को मेंटेन करेंगे, लेवल जैसे ही मेंटेन हो जाएगा उसके बाद ये वो रंदा वगैरह होता है इनके पास जिससे वो फ्लैट करते हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल वो सीधा हो जाता है। अब वक्त के साथ देखेंगे कि ये सीधा कब करते हैं, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ लेवल को मेंटेन करेंगे, पूरा माल डालेंगे वहाँ पर। तो खैर काम चल रहा है, देखते हैं, थोड़ा सा नीचे भी चक्कर लगाएंगे कि नीचे के मामला क्या है, किस तरीके से वो मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ ही रहिए। सबसे डेंजर मुझे ये लग रहा है कि मैं यहाँ से गुजरूंगा कैसे। खैर मैं कोशिश करता हूँ, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। फाइनली गाइस मैं आ गया नीचे और अब चलते हैं और ज़्यादा नीचे, देखते हैं क्या मामला है, किस तरीके से काम हो रहा है नीचे, तो वो नीचे चल के ही पता चलेगा, मेरे साथ रहिएगा।
चलो तो जी अब अपनी छत से जाके देखते हैं कि भाई कहाँ पहुँचा काम, कितनी देर हो गई। धूप बहुत ज़्यादा थी, मैं आ गया था अपने घर पे और अब के देखते हैं कि कहाँ पहुँचा काम। तो भाई ये है मेरी छत। ओके, सोफे लगाए हुए हैं, आधी तो कंप्लीट हो गई है, दिखाऊं। मामू भी सामने खड़े हैं इलेक्ट्रिशियन के साथ। आधी कंप्लीट हुई है, वो देखो लेवल भी कर रहे हैं ना। बस ये माल डालते रहेंगे और लेवल करते रहेंगे, इंशाल्लाह फिर हो जाएगा अपना काम और छत डल जाएगी इंशाल्लाह इनकी। खैर बहुत ही माशाल्लाह तेज़ी से काम किया, 2 घंटे लगे। इंशाल्लाह ये कुछ घंटों में हो जाएगा कंप्लीट। तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो कोशिश करूँगा कि अगर मेरी मौजूदगी यहाँ पर हुई तो मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से हो गई है ये कंप्लीट। अगर नहीं दिखा भी पाया तो इंशाल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिएगा भाई। वैसे देखा जाए बहुत ही रिस्की काम है ये। अभी आएगी ऊपर और ये बंदा पकड़ेगा इसको। कैसे आ गई ऊपर? खैर भाई इस तरीके से डलती है ये छत, ठीक है। अब ये बस इसको लेवल करेंगे और हो जाएगा मेंटेन। तो खैर उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, किस तरह से छत भरती है। और मामू के लिए तो दुआ है कि अल्लाह ताला इनके ऊपर ये छत सलामत रखे। तो खैर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह देखते हैं जो मामलात आगे जाके होंगे। कल है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मैच और अगले मैच के व्लॉग में मैं आपके सामने ही रहूँगा। तो आज तो कोई एक्टिविटी होने वाली नहीं है क्योंकि अब ये छत कंप्लीट होगी, उसके बाद होगा मिठाई वगैरह बांटेंगे भाई, खुशी है जाहिर सी बात। तो जब ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और आपको बहुत कुछ इस वीडियो के थ्रू सीखने को मिला होगा। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इजाज़त चाहूँगा आपका अपना सस्ता व्लॉगर।